Hello everyone, my name is Dr. Rahul Abhishek. I am a super specialist doctor, Partha Dental II. I am working on our clinic on Sikh Road, which is in Delhi Public School and in front of Access Bank, on the first floor. Our clinic can come from 10 to 9 at night at any time. आज यह वीडियो मैं कुछ संदर्भ पे बात करना चाहता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में अनुभव किया है। जनरली पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर क्या किया जाए जिससे मैं अपने दांतों के दर्द से ठीक हो जाऊँ, कौन ऐसा दवा लिया जाए जिससे अपने दांतों के समस्याओं से ठीक हो जाऊँ। तो आज मैं अपने पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी दवा खाते हैं, जैसे अगर दांतों में दर्द हो या फिर सेंसिटिविटी हो या फिर बैड स्मेल हो, तो वो तभी तक आपको दवा उस समस्या से दूर रखेगा जब तक दवा का असर आपके शरीर पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको दांत में दर्द है, अगर आप दांत के दर्द के लिए एंटीबायोटिक या पेन किलर खाते हैं, तो जब तक दवा का असर रहेगा, जैसे 6 घंटे से 8 घंटे तक, तब तक वो आपको समस्या से छुटकारा दे सकता है। उसके बाद फिर वो समस्या आपको आ जाएगी, आपका दांत का दर्द फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी दांतों की समस्याओं से ग्रसित है, तो आप डेंटल क्लिनिक जाए और उस प्रॉब्लम से अपना छुटकारा पाए। उसके आपके लिए उस समस्याओं से बचने के लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको दांत पे दर्द है, तो आप रूट कनाल करवाना बहुत ही जरूरी है, या फिर आपका विशुद्ध रूप से दर्द है, तो आपको उस दांत के लिए उस दांत को निकलवाना बहुत जरूरी है। अगर आप दवाई खाते हैं, तो ये आपको 2-3 घंटे तक आराम देगी, फिर से वो दर्द आ जाएगा। और आप किसी भी आप हमारे क्लिनिक में पार्था डेंटल डायमंड पॉइंट पे आए, हम लोग आपके सारे समस्याओं को दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। और आप और इससे आप अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो आप कंप्लीटली अपनी समस्याओं से दूर हो जाएंगे। थैंक यू।